नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे साथ है आज ये हनुमान। और जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से जो करेक्शन लिंक आया हुआ है, तो बच्चों के काफ़ी डाउट है, बार बार कॉल आ रही है, बार बार मैसेज भी आ रहे हैं। तो सोचा भी आप सभी को, जो हमने ये परफॉर्मा है वो निकलवा रखा है पूरा, ठीक है। कल जो SSSC के द्वारा जो परफॉर्मा है वो भेजा गया है, और सबसे पहले तो दीवान सर का भी थैंक्स करेंगे, जो कि इंटरव्यू लिया इन्होंने चेयरमैन सर का, और उसके बाद जो है वो चेयरमैन सर ने इस पर संज्ञान भी लिया, और जो अपडेट है वो इनकम सर्टिफिकेट की है, EWS की है, उन सभी को क्या है उन्होंने एक बढ़िया तरीके से ये जो है नोटिस आप सभी के सामने भेज दिया। तो चलो सबसे पहले जो डाउट रहेगा बच्चे का, सबसे पहली बात तो CET का जो फॉर्म है वो अप्लाई जो हुआ था वो 12 जनवरी 2021 से, ठीक है ना, 12 जनवरी 2021 से क्या है स्टार्टिंग डेट है CET की फॉर्म अप्लाई की। लास्ट डेट दे रखी है 10 जुलाई 2021, ठीक है, 2022 सॉरी, ये यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट डेट का। तो सबसे पहले बच्चों का डाउट रहेगा, सबसे फर्स्ट डाउट ये EWS का, EWS के बारे में थोड़ा सा आप बताइए, क्या कुछ डाउट रहेगा बच्चों के, और कौन सा अपलोड करें, कौन सा अपलोड नहीं करना है, नया बनवाना है, थोड़ा सा बताइए बच्चों को। नमस्कार, आपका टेक्निकल मंच का की ओर से धन्यवाद, और सभी दर्शकों को भी राम राम। जो EWS के लिए फाइनेंस ये रहा है, हाँ हाँ, जो अपना 12 जनवरी 2021 से शुरू हुआ था फार्म, ठीक है, तो इसके लिए EWS फाइनेंस ईयर वैलिड ईयर है 2020 और 2021 का, 21 और 22 का, ठीक है, और 22 और 23 का, 22-23 का जिनका है वो ध्यान से सुन ले, 22-23 का जिनका है वो 10 जुलाई 2022 से पहले बनाओ, 10 जुलाई 2022 से पहले बना होना चाहिए, हाँ, जो बाद का, में 22-23 का है, ठीक है, ठीक है, ओके, ये 22-23 वाला है ना वो पहले होगा होना चाहिए 10 जुलाई को, बाकी पहले हो सकता है 20-21, 21-22, 22-23 वाला 10 जुलाई से पहले होना चाहिए 2022 से। तो इनमें से तीनों जो अगर किसी के पास है तो अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, ठीक है, तो इससे पुराना नहीं चलेगा, अभी 19-20 का नहीं चलेगा, ठीक है, EWS का डाउट ये क्लियर हो गया है। दूसरा सबसे बड़ा डाउट आता है इनकम सर्टिफिकेट के बारे में, थोड़ा सा बताइए। इनकम सर्टिफिकेट ये SSC डाटा उठाएगी अपनी फैमिली आईडी से, ठीक है, अब कई को डाउट है कि अपने फैमिली आईडी से कैसे उठाएगी डाटा, हाँ एग्जांपल बताओ, हाँ, जैसे मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसान पंजीकरण करते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है कि वो 21 का डाटा उठा लेते हैं कई बार, अच्छा। अब किसी के राशन कार्ड कटे होंगे, एक्सक्लूजन में देखा होगा आपने भी, मेरा राशन कार्ड कट गया, किस कार्ड कट गया, तो वहां जाके देखते हैं, तो इन्होंने 21 के अंदर खरीफ की फसल बेची है, रबी की फसल बेची हुई है, 22 के अंदर बेची हुई है, इसी फैमिली आईडी से वो डाटा अच्छा से उठाएगी, ठीक है, भी इस फैमिली आईडी की 10 जुलाई 2022 से इनकम कितनी थी वेरीफाई, ओके, ठीक है, और इसके लिए अपने को देना है सेल्फ डिक्लेरेशन वाला, सेल्फ वाला देना है, इसके अलावा कुछ और कुछ नहीं करना। इस पे ये होगा कि मैं एक जो भी होगा इसमें नोटिफिकेशन लिखा हुआ है कि मैं 10 जुलाई 2022 से मेरी इनकम इतनी कम थी 81 से, ठीक है, तो इसमें इनकम का अब बच्चा कोई अपलोड करे तो सेल्फ डिक्लेरेशन जो है बस अपने खुद के साइन करने हैं, और ये आपने जो परफॉर्मा देखा है ये आप सभी को पता ही है, इसके अंदर जो परफॉर्मे के अंदर सबसे पहले अपना जो नाम है वो नाम फिल करना है, उसके बाद सन ऑफ जो है वो डॉटर ऑफ है वो आपको फिल करना है, और एज जो है एज कर दोगे, आपका जो पता है वो लिखोगे, नीचे स्पेशल लिखा हुआ है डेट माई PPP नंबर, यानी कि फैमिली जो आपका इनकम नंबर जो आईडी है उसके नंबर आपको, और वोटर जो आपका कार्ड है आधार कार्ड है वो अपलोड करना है या नंबर लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा डाउट है बच्चों को जो है वो है, जो ब्रदर अगर किसी का जॉब में है तो उसको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन करिए। अगर उसका ब्रदर मेरिड है, ठीक है, अगर से उसका फैमिली आईडी के अंदर नाम हो चाहे ना हो, ठीक है, उसको 5 नंबर मिलेंगे, वैसे 2.5 का क्राइटेरिया है नोटिफिकेशन शीट के अंदर, और 81 अगर इनकम 81 से कम है तब मिलेंगे उनको 5 नंबर, अन्यथा नहीं मिलेंगे। अच्छा, जॉब में हो जाए, हाँ जॉब में हो जाए, फैमिली आईडी अलग हो, तो फैमिली आईडी अलग हो, 81 से इनकम कम होनी चाहिए, ठीक है, जैसे पूरा घर में जो माँ बाप और अनमेरिड भाई, अनमेरिड बहन, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, हाँ, तो पूरा इसमें लिखा हुआ, हाँ, मेल के लिए अलग, और जो गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी नहीं है, अगर प्राइवेट जॉब है ना, अगर उसका PF कटता है उसको भी 5 नंबर नहीं मिलेंगे, इसके अंदर लिखा हुआ है कंपनी बकायदा, हाँ हाँ, कॉरपोरेशन कंपनी लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट,
ठीक है ठीक है। प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा जिसका पीएफ कटता है, ईएसआई नंबर है, रेगुलर एम्प्लॉय होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर, उसको भी नहीं मिलेंगे 5 नंबर। ठीक है, एक दो बच्चों के डाउट है वो भी हम चेक कर लेते हैं जो हमारे पास कमेंट में भेज रखे हैं, उनके जो भी डाउट है। सबसे पहले एक डाउट आया हुआ है कि भाई जॉब पर है, मैरिड है, पर इनकम जो है वो फैमिली आईडी में ज़्यादा ही होगी, फिर भी नंबर मिल सकते हैं क्या? नहीं मिलेंगे उसको, क्योंकि इनकम ज़्यादा है इसके अंदर। क्या है, अपने सीटी के जो ऑप्शन खोलते हैं ना, उसके अंदर ऑप्शन एक कहता है नो जॉब और इनकम वाला, दोनों एक साथ ऑप्शन खुल रहे हैं, और अगर अलग अलग होते हैं ऑप्शन तो ये नहीं होती प्रॉब्लम। ठीक है, अब ऑप्शन एक है तो ऑप्शन एक पे हम क्लिक करेंगे तो उनमें कंडीशन लगा दी भी 81 का, उसमें अपना आप उठा लेते हैं डाटा। ठीक है ठीक है, तो अगर 81 आ गया तो उसको नहीं मिलेगा, 81 से ऊपर आ गया तो। अच्छा अच्छा, दूसरा ये है, एक बच्चे ने भेज रखा है कि सर जी मेरे फादर इन लॉ जॉब पर है, फादर इन लॉ इनके, ठीक है लड़का है, फादर इन लॉ यानी कि इनके ससुर है ये, लड़की लड़की के ससुर है, ठीक है, हाँ लड़की के ससुर है, और फैमिली आईडी अलग है जिसमें 1,80,000 से कम इनकम है, 5 नंबर भी मिले हुए हैं, क्या करूँ मैं? मतलब है इसके जो ये लड़की है इसका ससुर जॉब में है, लड़की है अगर मेरिड है बिल्कुल ठीक है, उसका वाइफ मान जो हस्बैंड और जो इनका फादर लाए उनकी वाइफ, ठीक है ठीक है, और उनका देवर देवर अगर अनमेरिड है, ठीक है अगर जॉब में है तो उस फैमिली में काउंट होगा। अच्छा, तो मतलब उनको नंबर नहीं मिलेंगे, उसको नंबर अगर हस्बैंड उसका फादर इन लॉ जॉब में है तो नहीं मिलेंगे उसको, नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला जो डाउट है वो दे रखा है कि सर EWS अब का है, पहले का नहीं बना, ये तो आपने बता ही दिया EWS का। हाँ, एक और बता देता हूँ EWS का। हाँ हाँ बिल्कुल, जो भी रिजर्व कैटेगरी है रिजर्व कैटेगरी वाला जनरल में जा सकता है, ठीक है ठीक है, जिनके पास नहीं है 10 जुलाई जो मैंने बताई है डेट 20, 21, 22 और 22, 23 22, 23 वाला ध्यान से सुन ले, 10 जुलाई 2022 से पहले का होना चाहिए, अगर उसके बाद का है तो उसको वो जनरल कैटेगरी में जा सकता है। ठीक है, मतलब ये नहीं है अभी जो अगर किसी को नया EWS लगवाना है, पहले नहीं लगवाया तो उसका क्या रहेगा? उसने पहले कैटेगरी जनरल अगर चूज की है बिल्कुल तो वो जनरल में रहेगा, वो जनरल रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकता, रिजर्व से जनरल में जा सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो अगला डाउट ये है एक बच्चे का, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पर है और उस कैंडिडेट पर फादरलेस वाली कंडीशन लागू होती है क्या उसे नंबर मिलेंगे क्या? मतलब कोई गवर्नमेंट जॉब पर है ठीक है और उस पर कंडीशन फादरलेस वाली लागू होती है, इसमें क्या होता है HSC के अंदर वैसे चल जाता है लेकिन सही ओपीसी नोटिफिकेशन हिसाब से तो एक बार मौका मिलता है, एक ठीक है एक ही फायदा उठा सकता है बच्चा। वैसे तो जिनके फादरलेस हैं 3-3 बच्चे वो भी फायदा उठा लिया, बिल्कुल उठा रखा, अगर जिस दिन उसकी आ गई मान लो इंक्वायरी तो उस दिन वो 420 में माना जाएगा। ये बात तो 60 साल की जॉब होती है, बिल्कुल पता नहीं बंदा कब आ जाए। हाँ हाँ, आए दिन हम आज कल अखबार पढ़ते रहते हैं कि ये बंदा ऐसे पकड़ा गया, ये बंदा ऐसे पकड़ा गया, तो इसलिए इन जो भी डाउट पूछ रहे हैं उनसे एक ही विनती है कि ऐसी गलती मत करें। हाँ, जो भी आपका प्रूफ है वैलिड प्रूफ है वही अपलोड करें सिर्फ। 5 नंबर के लिए 60 साल को गलती मत डाल देना, एक बार गलती कर दी तो 60 साल तक सुधर नहीं सकती। ठीक है, बिल्कुल, तो ये तो आपको बता दिया जो भी आपको करना है अपलोड, बिल्कुल जो आपकी राइट इन्फॉर्मेशन है, फेक इन्फॉर्मेशन किसी को अपलोड नहीं करनी है। जिन्हें 5 नंबर मिले हुए हैं उन्हें भी कुछ अपलोड करना है क्या? हाँ ये बताइए, काफ़ी बच्चे डाउट में है कि सभी बच्चों को अपलोड करना है या नहीं करना? जिनको 5, अब देखो आप CET का पहले जो आया ना लिंक है उसमें आज वाड़े में बहुत फर्क है। अच्छा ठीक है ठीक है, ये फर्क है कि अब जिसने 3,57,000 जो भी कुछ है जो पास है, हाँ हाँ बताओ, जो भी पास है तो उसमें ये दिया हुआ है कि आपके जो रॉ मार्क है ना वो दिए हुए हैं। हाँ, रॉ मार्क दे रखे हैं, रॉ मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब 5 नंबर जोड़ के मार्क्स अभी नहीं दिखा रहे हैं, साइको इकोनॉमी के जो 5 नंबर है वो ऐड नहीं है। ठीक है, इसलिए जो 3,57,000 है जिनमें 5 नंबर लिए हैं उनको अपडेट करना जरूरी है। जरूरी है, आप HSC के वैसे नोटिफिकेशन चक्रों मत रहना, आप अपने CET का लॉगिन आईडी करके देख लेना। ठीक है, कोई इसके चक्र में रहे कि मेरे को तो 5 नंबर पहले मिले हुए, मेरा प्रोविजनल नहीं है, तो इन प्रोविजनल और इनके चक्र मत रहना, ये HSC है, आपके 5 नंबर गुम चले जाएंगे। तो मतलब लगभग सभी को अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, जो 3,57,000 एक बार अपनी आईडी खोल के देख लें। हाँ, एक बार अपनी आईडी डॉक्यूमेंट मांग रहा है
वो लगा दें, अपडेटेड जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है वो लगा दें जो मांग रहा है उसमें सीटी के अंदर। ठीक है ठीक है, तो ये तो सभी को पता चल ही गया। एक बच्चे का डाउट है ऑफिशियल नोटिस, ये तो ठीक है, टेक्निकल पोस्ट 38% करो, ये तो चलो भी डाउट अलग रह गया। अगर कोई ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करता है क्या वह जनरल में काउंट होगा? वैसे तो कंडीशन ही होती है, अगर अपना जो भी रेलवे की भर्ती होती है अंदर एसएससी की होती है, अगर वो सर्टिफिकेट नहीं जमा करता तो उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, रेलवे खास करके मैंने देखा है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है रेलवे के अंदर। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे देखे हैं जिन्होंने ओबीसी लगा दिया, चलो ईडब्ल्यू तब आया और ऐसे लगा दिया, या उन्होंने ईबीसी होता है रेलवे के अंदर, अच्छा ईबीसी ऑप्शन होता है जो 250 रुपये फीस का चक्कर होता है उसमें, कुछ नहीं मिलता है उसमें, रिजर्वेशन पोस्ट का रिजर्वेशन नहीं है। अगर उसने ईबीसी सिलेक्ट कर दिया और 50,000 उसका इनकम का सर्टिफिकेट नहीं है, अगर उसने जमा नहीं किया तो उसको बाहर ही कर देते हैं। अच्छा, अगर उसके नंबर चाहिए 100 में 100 हो उसका सिलेक्शन नहीं होता, इसलिए अगर ये एसएससी पे होता है क्या पता इसको जनरल में कंसीडर करे, मौका होगा जो भी, या इसको बाहर करे, इसने गलत इन्फॉर्मेशन दी है इसके हिसाब से तो उसको बाहर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, या तो अब ये जनरल में अब कर सकता है भी, इसके पास मौका है भी, 16 फरवरी जो डेट ना डेडलाइन डेट क्या है, 16 फरवरी है अभी जो दे रखी है, 16 फरवरी दे रखी है, 16 फरवरी है, इसके अनुसार आप ईडब्ल्यू से जनरल में जा सकते हो, बीसीए से जनरल में जा सकते हो, एससी से जनरल में जा सकते हो और बीसीबी से जनरल में जा सकते हो, लेकिन जनरल से आप और किसी कैटेगरी के अंदर नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया, लगभग बच्चों के डाउट है वो क्लियर हुए हैं। और कोई कुछ ग्रुप डी में कोई सिलेक्ट हो जाए फिर वो सीटी का सेकंड पेपर दे सकता है या नहीं? दे सकता है, ये दे सकता है। अंदर क्या है कि ये पोस्ट अलग है, ग्रुप सी के अलग है, डी के अलग है, इसका इसके अंदर कोई इसका रिलेशन नहीं है। ठीक है, और ऑब्जेक्शन के बारे में तो बता दिया, ठीक है। तो लास्ट में कुछ मेन मेन पॉइंट जो इसके बारे में आप बताओगे, परफॉर्मे के बारे में बच्चों के डाउट है वो मतलब क्लियर हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, मतलब सेल्फ डिक्लेरेशन दे रखा है ये, इसके अंदर बच्चा अपना नाम फिल करेगा, फादर नेम हो गया और अपना जो पता हो गया, एज हो गई, अपनी जो फैमिली आईडी नंबर है और आधार कार्ड नंबर है, खुद साइन करके और अपलोड करना है, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, फैमिली इनकम जो है वो खुद अपना चेक करेंगे, एसएससी है जो खुद चेक करेगी फैमिली इनकम आपकी कितनी है, जो राइट आपकी फैमिली इनकम कब से काउंट होगी, इनकी फैमिली इनकम जो है वो कब से काउंट होगी, 10 जुलाई 2022 से पहले, 22 से पहले की काउंट, अपने आप उठा लेंगे, अपने आप उठा लेंगे, बस आप फैमिली इनकम लिखो, आप ये दे देना डिक्लेरेशन में भी मेरी इतनी कम थी, अगर थी उस टाइम फैमिली में, अगर अब आपकी हुई है तो भी दे देना, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप उठा लेंगे, वो तो उनका काम है, मतलब अब का कोई मैटर नहीं है। हाँ, अब का नहीं है मैटर, ठीक है। फिर कई बोलेंगे जी मेरी उस टाइम वेरीफाई नहीं थी, अब वेरीफाई हुई है, ठीक है, तो वो वहाँ उस टाइम उनका डिक्लेयर लिखा आता था फैमिली आईडी में। बिल्कुल बिल्कुल, और कईयों का ये भी प्रॉब्लम होता था, कईयों की फैमिली आईडी में क्या होता है, 41 से 81 होती है, 75 से 1 लाख होती है इनकम, वो क्या बोलते हैं जी मेरी 75,000 है, लाख नहीं है, लाख नहीं है, उनकी फैमिली आईडी जो वेरीफाइड होती है ना वो लास्ट वाली होती है, लास्ट वाली 75 से 1 लाख, तो 1 लाख मानी जाएगी, ठीक, 1,40,000 81 है तो 81 इनकम मानी जाएगी उनकी, अगर किसी की 81 से 240 है तो उसकी 240 मानी जाएगी, ठीक है। कई ये बोलते हैं जी कि मेरी तो 81 थी, फोन आते हैं आपने मेरे को नंबर दिया आपने, तो उसमें कई बोला भी था कि जी मेरी तो 81 से 240 है तो मेरे को नंबर मिलेंगे, तो उसमें क्या होता है 240 काउंट होगी, 240 काउंट होगी, लास्ट वाली काउंट होगी, लिमिट वाली। अगर किसी की फैमिली इनकम 1,80,000 पूरी है लास्ट में, उसको नंबर मिलेंगे जी, उसको नंबर मिलेंगे, ठीक है। फिर चलो, फिर लगभग डाउट है वो आपके क्लियर हुए हैं, तो सभी साथियों का धन्यवाद। जितने भी आपके और भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है ना। फोन फोन बार बार दे रखे सर ने, बिल्कुल बार बार फोन करते हो, इतने फोन अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो तो इसीलिए जो वीडियो में आपको क्या है, जितने भी डाउट है एक साथ आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है। कोई भी किसी का डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। एक बार और बोलना चाहूंगा, बिल्कुल जल्दबाजी मत करो, 2-3 और वेट करो। हाँ, ये बात सही है, बहुत से बच्चों ने जल्दबाजी कर करके गलती कर रखी है, तो वो गलती बिल्कुल भी ना करो। एक बार सबमिट कर दिया तो 5 नंबर गए, बिल्कुल 5 नंबर चले जाएंगे उनके, तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें आप, तो 2-3 दिन का वेट करें, उसके बाद ही क्या है आप इसको अपलोड करें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।